हाउ टू मेक एंगलेट, एंगलेट कैसे बनाएं। हेलो दोस्तों, मैं हूं हसीना खतरा और मेरे चैनल हसीनास कैसे बनाओ सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि आप एंगलेट कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में आए हैं तो फटाफट चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर सीखना है ज्वेलरी बनाना तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैटेरियल्स, कटर एंड प्लायर, चेन, घुंघरू, जंप रिंग्स। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें चाहिए हमें एंगल्स बनाने के लिए। तो ये हो गया कटर, इसे फ्रेंड्स कटर बोलते हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं। और ये है प्लायर। तो फ्रेंड्स, ये दोनों टूल्स ज़रूरी होता है ज्वेलरी मेकिंग के लिए। और ये है चेन, गोल्डन चेन, जंप रिंग्स एंड फ्रेंड्स जो लास्ट है वो है घुंघरू। तो ये जो घुंघरू, ये बजने वाला घुंघरू है और एक और घुंघरू आता है जिसमें आवाज़ नहीं होती है, बट ये बजने वाला घुंघरू है। आपको कौन सा घुंघरू पसंद है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये जो चेन है फ्रेंड्स, हम चेन को अपने पाँव में लगा के फ्रेंड्स नाप लेंगे कि ये कितना लगेगा, उसके बाद कट कर लेना है। ये मैंने कट कर लिया। अब फ्रेंड्स हम जंप रिंग लेंगे, ये जंप रिंग ले लिया। जंप रिंग को हमें ओपन करना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स हमें घुंघरू लेना है और घुंघरू को ऐसे इसके अंदर ऐसे ऐड करना है। ये देखिए, घुंघरू में भी थोड़ा सा स्पेस होता है जिससे हम जंप रिंग में ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर दो भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप तीन ऐड कर सकते हैं एज योर विश, बट मैं यहाँ पे दो ऐड कर रही हूँ। और अब हमें क्या करना है, ये जो चेन है, चेन का जो ये होल होता है फ्रेंड्स ऐसे देखिए यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, इसे ऐड कर देना है ऐसे। और एज योर विश फ्रेंड्स, आप यहाँ पे तीन घुंघरू भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप दो घुंघरू ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर दो घुंघरू ऐड कर रही हूँ। सेम हमें फ्रेंड्स एक और जंप रिंग लेना है, उसे ओपन करना है और उसके अंदर घुंघरू को ऐड करना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें इस चेन में ऐड कर देना है थोड़ा सा स्पेस छोड़ के। इस बात का ध्यान रहे कि ये जो हम स्पेस छोड़ रहे हैं वो बराबर हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं पे ज़्यादा हो या कहीं पे कम हो। तो इसको सेम स्पेस छोड़ने के बाद हमें ऐड करना है। और अगर आप ज़्यादा हैवी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप तीन घुंघरू ऐड कर सकते हैं या फिर चार भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे सिंपल में बनाना था इसीलिए मैं दो घुंघरू ही ऐड कर रही हूँ। और ऐसे हमें इसे कंटिन्यू करते रहना है। अब फ्रेंड्स हमें एक जंप रिंग लेना है और उसके बाद जंप रिंग में फ्रेंड्स इसे ऐड कर देना है, ये दोनों साइड वाला चेन। ये देखिए, ये वन साइड का है, इसको हम इस जंप रिंग में ऐड करेंगे। जो सबसे लास्ट वाला है फ्रेंड्स उससे ही इसमें ऐड करना है। और जो सेकेंड चेन है फ्रेंड्स उसको भी इसमें ऐड कर देना है। इसका फिनिशिंग, इसका जो इसे हम लॉक करेंगे, तो आप यहाँ पर एस यूज़ कर सकते हैं, लूस्टर यूज़ कर सकते हैं या फिर जंप रिंग। मैं यहाँ जंप रिंग का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे जंप रिंग बहुत पसंद है फ्रेंड्स और मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऐसे ही यूज़ करना है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कुछ नया करना ही तो अच्छा होता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो एंकलेट्स है वो बन चुका है फ्रेंड्स। ये कितना सुंदर, कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल में आए हैं तो चैनल को फटाफट कर दें सब्सक्राइब।